अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट, जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, इसमें हमने स्टोरेज वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी भी वही कंटिन्यू है। बिकॉज़ इससे प्रीवियस मैंने आप लोगों को स्टोरेज की कुछ टाइप्स बताई थी, 209 पेज है। आज जो है वो हम 9.2 हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 का, तो इसलिए पता चल जाता है ना। ये देखिए, 9 मेन हेडिंग जो होती है वो बता देती है कि कौन सा चैप्टर है। टेप्स, जी हाँ टेप्स, किसको नहीं पता, सबको पता टेप्स, कौन सी टेप्स होती हैं। व्हेन स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, टेप इज नॉट इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव ऑप्शन। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंटर करना चाहते हैं तो इनएक्सपेंसिव ऑप्शन ही है ये, बिकॉज इसके अंदर भी हम डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ फैक्टर्स होते हैं, चीप भी है, आर्काइव मीडियम भी है, बिकॉज आर्काइव होता है ना, इसके अंदर स्टोरेज कर लगते हैं और मतलब कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो इंस्टेंसली ये सारे जो है रीडेबल फॉर्म, लाइक आफ्टर 30 इयर्स ऑन द शेल्फ, टेप्स कैन स्टोर ऑफ साइट टू प्रोटेक्ट डेटा इन केस ऑफ डिजास्टर्स लाइक फायर्स एंड अनलाइक ऑनलाइन बैकअप्स एंड आर्काइव्स। इफ़ द टेप आर स्टोर्ड ऑफ साइट, दे आर नॉट करप्टेबल बाय वायरसेस एंड वॉर्म्स। बिकॉज देखिए, इसकी कोई पावर नहीं होती, इसमें पावर नहीं यूज़ करते हम, इसलिए इसके जो है वॉर्म्स और वायरसेस की सेफ्टी होती है। तो एक्चुअली इसके अगर एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैकेनिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, टेप्स ड्रॉपिंग हो सकते हैं, लाइक ये फ्लोर के ऊपर गिर गई है या बम्पिंग हो गई है, मतलब कहीं भी पैड इंसर्ट कर दिया तो टेप ड्राइव जो है वो ख़राब हो जाती हैं, आपकी टेप्स बेकार हो जाती हैं। तो सिंस टेप कंटेन्स मैकेनिकल पार्ट, मैनुअली चेंज टेप्स गेट डैमेज ईजीली, तो ये ईजीली डैमेज हो जाती हैं। कंपेयर टू डिस्क, टेप्स आर एक्सट्रीमली स्लो, आपकी जो डिस्क होती हैं उसके कंपेरेटिवली जो टेप्स होती हैं वो एक्सट्रीमली स्लो होती हैं। दे आर ओनली राइट एंड रीड डाटा जस्ट सिक्वेंशली फॉर्म। अब आपको भी पता है, टेप्स वगैरह सुनते थे हम, जब सॉन्ग सुनते हैं नाते सुनते हैं, टेप्स को रील को क्या करते थे, या फिर हम सिक्वेंशल फॉर्म में करते थे, उसको फॉरवर्ड करना पड़ता था या बैकवर्ड करना पड़ता था, सिक्वेंस फॉर्म में ही चलती है टेप्स, तो इस वजह से ये स्लो है, मतलब हमें रिवाइंड करना होता था तो हम उसको इजेक्ट करते थे, उसको माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड्स के अंदर बैक या फॉरवर्ड करते थे। यहाँ पे टेप की लाइब्रेरीज हैं, टेप ड्राइव कैन हैंडल वन टेप एट अ टाइम। आपकी जो टेप ड्राइव है उसकी शर्त है कि एक ही जो टेप है वो हम एक टाइम पे डाल सकते हैं। एंड टेप मस्ट बी चेंज व्हेन मोर और अदर डेटा इज नीडेड, मतलब अब डेटा जब नीडेड हो तो उसके हिसाब से हमें न्यू टेप्स जो है वो लेनी पड़ती हैं, ऑटोमेटिक टेप हैंडलिंग हो जाती है, इसलिए सिक्वेंशियल फॉर्म में है। अ टेप लाइब्रेरी आल्सो नाउन एज टेप सीलो, टेप रोबोट और टेप जूक बॉक्स। इसमें स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसे कंटेन होती है वन और मोर टेप ड्राइव्स, अ नंबर ऑफ स्लॉट्स टू होल्ड टेप कैटरेजेस, मतलब जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं जिसके अंदर टेप कैटरेजेस डाल सकते हैं, बार कोड और RFID टैग रीडर्स टू आइडेंटिफाई टेप कैटरेज। जैसे एक प्रिंटर की कैटरेजेज होती हैं ना, जैसे डिफरेंट कैटरेजेज हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, इसी तरह टेप्स के अंदर भी स्लॉट्स होती हैं, जैसे राउटर्स के अंदर डिफरेंट स्लॉट्स हैं कि आप उसके अंदर मोर एम्बेड करके उसके साइज़ को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये है आपका जो टेप लाइब्रेरी सिस्टम, ये ऐसे होता है। हमें देखने में तो लग रहा होगा बड़ी छोटी सी है चीज़, लेकिन अगर जब हम लार्ज स्टोरेज की बात करते हैं तो टेप ड्राइव सिस्टम लार्ज स्टोरेज पे ऐसे होता है। ये डिफरेंट स्लॉट्स हैं यहाँ पे टेप ड्राइव के अंदर, हम उसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को। ठीक है जी, एग्जाम्पल है टेप लाइब्रेरी इन पिक्चर 24 स्टोर 150 LTO टेप्स ईच विद अ कैपेसिटी ऑफ 5 TB लीडिंग टू अ टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 750 TB। अब ये वो लोकल टेप के साथ कंपेयर ना करें कि भाई हमारी जो कैसेट है वो उसके साथ कंपेयर करें, नहीं, इसकी जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, एडवांस स्टोरेज की बात करते हैं, तो आपकी लार्ज टेप्स की क्वान्टिटीज़ होती हैं ये।
वर्चुअल टेप लाइब्रेरी VTL यूजेस डिस्क फॉर स्टोरिंग बैकअप. आपकी जो VTL है ये डिस्क होती हैं, लाइक इसको स्टोरिंग बैकअप करने के लिए यूज़ करते हैं. ये किसके ऊपर कंसिस्ट होती हैं? सर्वर के ऊपर. उसके जो सॉफ्टवेयर हैं उसके ऊपर ट्रेडिशनल टेप्स डिवाइसेस फॉर्मेट यूज़ करते हैं. तरीकाकार हमारा पुराना वाला ही है. बैकअप जैसे हमने लेना है वो डिस्क के ऊपर लेंगे और डाटा री स्टोर करेंगे, एज वेल एज बैकअप एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज वगैरह इसके अंदर यूज़ करेंगे. तो इन हाउ जब ये थ्योरी है तो इसको थ्रू आउट इसको रीड आउट कर लें आप. मतलब मल्टीपल पैरेलल सिस्टम की बेस पे ये काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे अगर हम एडवांस चीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर उसके लिए एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हैं. सिंक्रोनाइज VLTS कैन बी सिंक्रोनाइज और मल्टीपल लोकेशंस क्रिएटिंग मल्टीपल ऑफ साइट्स बैकअप. ओके जी, यहाँ पे टेप का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया. अब आते हैं कंट्रोलर्स की तरफ. कंट्रोलर्स कनेक्ट डिस्क एंड और टेप्स और सर्वर. आपके जो कंट्रोलर्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं आपके डिस्क और टेप को किसके साथ? सर्वर के साथ. नाम से पता चल गया कंट्रोलर्स का क्या मतलब है. टिपिकली इंप्लीमेंटेड एज अ PCI एक्सपेंशन बोर्ड्स इन द सर्वर. आपके जो पैरेलल लगे होती हैं एक्सपेंशन बोर्ड सर्वर के साथ, उसके साथ कनेक्ट करता है. कंट्रोलर्स कैन आल्सो बी यूज एज अ पार्ट ऑफ NAS एंड SAN. नेटवर्क एडवांस्ड है और आपका जो डिप्लॉयमेंट है इसके साथ करता है. वेयर दे कनेक्ट ऑल अवेलेबल डिस्क एंड टेप टू रिडंडेंट फाइबर चैनल्स. इसके अंदर रिडंडेंट के फाइबर चैनल्स होते हैं, डिफरेंट ISCSI होते हैं और FCOE कनेक्शन होते हैं. तो फर्दर इसको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बताया गया है मोर डिटेल के साथ. ठीक है जी. अ कंट्रोलर टिपिकली इम्प्लीमेंट्स हाई परफॉर्मेंस, हाई अवेलेबिलिटी एंड वर्चुअलाइज स्टोरेज यूजिंग रेड. देखिए जब रेड की टेक्नोलॉजी होती है ना, रिडंडेंट एरेज ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क यूज़ करते हैं. रिडंडेंट एरे है, एरे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है. इंडिपेंडेंट डिस्क यूज़ करते हैं तो रिडंडेंटी को जो है इसके अंदर कंट्रोलर करता है. हाई परफॉर्मेंस है, हाई अवेलेबिलिटी है. किस पर्पज़ के लिए? वर्चुअलाइज स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए. दे कैन आल्सो इम्प्लीमेंट क्लोनिंग, डाटा डुप्लीकेशन एंड थिन प्रोविजनिंग ईच एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन. ये सारी चीज़ें आपकी जो रेड है, फाइबर चैनल है, ISCSI है, ये आगे डिस्कस किए गए हैं. फिर उसके बाद ये डिफरेंट फिजिकल डिस्क के साथ कनेक्ट होते हैं, लॉजिकल यूनिट नंबर्स. फिर वो वर्चुअली फ्रॉम फिजिकल एक्सटेंट्स इसको सप्लिट करता है डिफरेंट पीसीज के साथ. फिर वो न्यू वर्चुअल डिस्क के साथ कंपोज किया जाता है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फिजिकल डिस्क के साथ रियल सिस्टम के बेस पे काम कर रहा होता है. ओके जी, ये है लॉजिकल यूनिट नेटवर्क. ये फिजिकल डिस्क वन है, ये फिजिकल डिस्क टू है. तो ये फिजिकल एक्सटेंट लॉजिकल एक्सटेंट के साथ, मतलब मल्टीपल जो फिजिकल डिस्क हैं वो डिफरेंट लॉजिकल यूनिट नेटवर्क के साथ अटैच हैं. तो ये लॉजिकल डिस्क कंप्राइज्ड ऑफ फिजिकल एक्सटेंट, मतलब उसको सप्लिट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है. कंट्रोलर कैन मेक फिजिकल डिस्क पार्ट ऑफ अ रेड एरे फॉर इंक्रीज अवेलेबिलिटी. आपका रेड एरे जो है होता भी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज रिडंडेंट एरे है ना, वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस 6500 GB फिजिकल डिस्क होती है रेड 5 कन्फिग्रेशन के अंदर, और इसके अंदर जो है 1 वर्चुअल डिस्क के अंदर आपकी 3 TB और 2 द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली सीज वन डिस्क. आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क को देख सकता है एंड हैज़ नो नॉलेज दैट द डिस्क इज रियलिटी कंसिस्ट ऑफ मोर फिजिकल डिस्क. उसको नहीं पता होता भैया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो फिजिकल कितनी डिस्क के ऊपर कंसिस्ट होता है. उसका काम है बस परफॉर्मेंस शो करना. तो डिफरेंट लार्ज साइज को स्मॉल साइज के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसमें फ्यू लार्ज डिस्क यूज़ करते हैं हम. मतलब लॉजिकल यूनिट्स ज़्यादा होते हैं और कुछ फिजिकल डिस्क जो हैं वो कंपैरेटिवली यूज़ होती है. अब ये आपका रेड सिस्टम कोलैबोरेट किया गया है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क. रिडंडेंट एरे ऑफ आपकी इंडिपेंडेंट डिस्क है रेड. ठीक है जी, रिडंडेंट एरे. सॉल्यूशन कैन प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड और इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू द यूज ऑफ रिडंडेंट डिस्क.
मतलब आपकी जो हाई अवेलेबिलिटी शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं किसके आपकी परफॉर्मेंस में, किस पर्पज़ के लिए रिडंडेंट डिस्क को यूज़ करते हुए। रेड कैन इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल कन्फिग्रेशन, रेड में हम इम्प्लीमेंट करते हैं सेवरल कन्फिग्रेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम रेड के लेवल्स कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे राउटर्स के लेवल्स होते हैं ना, तो रेड के भी लेवल्स हैं, तो वो आगे बताए हुए हैं। ईच विद देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, हर एक का अपना नुकसान भी और फ़ायदा भी है। इन प्रैक्टिस फाइव रेड लेवल्स आर इम्प्लीमेंटेड मोस्ट ऑफन, रेड 0, 1, 10, 5, 6, ये मतलब इसके वर्जनस हैं। तो रेड 0 में स्ट्राइपिंग होती है, इसमें रेड 1 में मिररिंग होती है, 10 में स्ट्राइपिंग है मिररिंग दोनों का कंसेप्ट है। रेड 5 में स्ट्राइपिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी दोनों का काम होता है। 60 जो इसका 6 वाला पार्ट है स्ट्राइपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डबल पैरिटी। अब ये वन बाय वन आगे डिस्कस भी किए गए हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर जो रेड है वो स्टूडेंट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है जो कि आपके सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रहे होते हैं। ओके जी, रेड 0 से स्ट्राइपिंग। रेड 0 आल्सो नोन एज स्ट्राइपिंग प्रोवाइड्स एन ईजी एंड चीप वे टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ओवर द यूज़ ऑफ सिंगल डिस्क। ये होती है आपकी स्ट्राइपिंग, सिंगल डिस्क के ऊपर जो है परफॉर्मेंस रन करेगा। आल्सो इट कैन यूज़ मल्टीपल डिस्क, लेकिन अब उसमें जो मल्टीपल डिस्क है उसमें क्या होगा, हर एक पार्ट के ऊपर अपना अपना अलहदा डाटा होगा, मतलब हर एक पार्ट है उसके ऊपर अलहदा डाटा होगा। ठीक है, एक डिस्क से दूसरी डिस्क में भी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। फास्टर है बिकॉज सिंगल डिस्क के ऊपर सिंगल डाटा है। ठीक है, और डिफरेंट डाटा ब्लॉक्स आर रिटन इन दी फॉर्म ऑफ पैरेलल, और पैरेलल चल रहे हैं, मल्टीपल डिस्क है पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ डाटा जो है वो मूव ऑन हो रहा है। तो रेड 0 एक्चुअली लोअर अवेलेबिलिटी है इसकी, इफ़ वन ऑफ द डिस्क इज़ रेड सेट फेल्स ऑल डाटा इज लॉस्ट। अगर एक फेल होगी तो सारी फेल होगी, बिकॉज पैरेलल है, एक फेल तो सारी फेल। रेड 0 इज़ हार्डली यूज इन प्रोडक्शन सिस्टम, दैट इज़ ओनली एक्सेप्टेबल इफ़ लूजिंग ऑल डाटा ऑन द रेड सेट इज़ नो प्रॉब्लम। जैसे कि अगर हम रेड 0 इज़ ऑफन कम्बाइंड विद रेड 1 टू क्रिएट द रेड 10 सेट। अब आप लोगों को ऊपर मैंने रेड के लेवल बताए थे, तो उसमें रेड 1 और 10 को अगर जोड़ते हैं तो वो बेस्ट फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, वर्चुअल डिस्क है डिस्क 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डिस्क 1 है, ये डिस्क 2 है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, रेड 0 है। अब रेड 1 क्या है, मिररिंग, इसको हम मिररिंग भी कहते हैं, रेड 1 भी कहते हैं। हाई अवेलेबिलिटी सोल्यूशन है डैट यूजेस टू डिस्क डैट कंटेन्स द सेम डाटा। टू डिस्क हैं लेकिन सेम डेस्क का डाटा जो है कंट्रोल करते हैं। अब मिररिंग का क्या मतलब होता है, मिरर क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप मिरर में देख रहे हो अपनी फ़ोटो, आपको सेम नज़र आ रहा होता है ना। तो अभी देखें, अगर एक डिस्क फेल हो जाती है डाटा इज़ नॉट लॉस्ट, क्यों, क्योंकि आपका मिरर नज़र आ रहा, आपका आपकी जो कॉपी है वो रखी गई है। तो टू डिस्क हैं, सेम डाटा रख रही हैं, इसमें क्या होगा, अगर एक डिस्क फेल हो जाएगी तो दूसरे के अंदर डाटा अवेलेबल होगा, मोर रीडेबल है ये लेवल, बट द प्राइस रिलेटिवली हाई, इसकी प्राइस जो है वो हाई होती है, बिकॉज मिररिंग प्रोसीजर है, टू डिस्क यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए हमें एक स्पेयर डिस्क यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है अकॉर्डिंग टू डिस्क ऑटोमेटिकली कैरी हो जाती है। इस तरह इसका कॉन्सेप्ट है वही प्रोसीजर जो जीरो में था, लेकिन अब इसमें क्या चीज़ आ गई, एक मिररिंग आ गई, ये डाटा जो आप कर रहे हो मैनेज वो एक स्पेयर डिस्क के अंदर भी पड़ा हुआ है, अगर एक ख़राब हो जाती है डिस्क तो दूसरे के अंदर वो पड़ा हुआ है। तो ऑप्टिमाइज हाई अवेलेबिलिटी है, इट इज़ कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू प्लेस द मिरर डिस्क इन द सेपरेट इनक्लोजर, तो हम इसमें अलहदा जो है वो रिडंडेंट कंट्रोलर्स लगाते हैं। देन आता है आपके रेड 10, जिसमें आपके स्ट्राइपिंग और मिररिंग दोनों का कंसेप्ट होता है। अगर आपने रेड 0 को बेहतरीन बनाना होता है तो हम रेड 10 का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, कंबाइन होता है स्ट्राइपिंग एंड मिररिंग एंड प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। अब देखें, रेड 10 सेट जो है वो यूज़ करेगा एटलीस्ट 4 डिस्क एंड ओनली 50% ऑफ द डिस्क स्पेस इज यूज, सिर्फ 50% यूज़ होगी, बाकी तो फारिग पड़ी है ना, बाकी मिररिंग के लिए पड़ी है। लाइक दिस, ये रेड 1 है, ये रेड 1 है, रेड 10
ठीक है जी। अगर ये रेड जीरो भी है, ये रेड वन है, तो दोनों को तो यूज़ हो रही हैं, और एक स्पेयर भी है, मतलब 50% डाटा के लिए है, 50% रिमेनिंग पड़ा हुआ है। जस्ट लाइक इन रेड वन इट इज़ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छा है बिकॉज मिररिंग सेपरेट भी प्रोवाइड कर रहा है आपको, एक एक्स्ट्रा डिस्क प्रोवाइड कर रहा है। रेड फाइव स्ट्राइपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, रेड फाइव यूज स्ट्राइपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, डाटा इज रिटन इन दिस ब्लॉक। अब इसमें पैरिटी जो है उसमें क्या हो रहा, मतलब जीरो है तो वन है, वन है तो जीरो है, इस तरह के फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर होगा हमारा। डाटा इज रिटन इन डिस्क ब्लॉक ऑन ऑल डिस्क इन पैरेलल फॉर्म लाइक रेड सिस्टम, जैसे रेड जीरो में था, एंड द पैरिटी ब्लॉक ऑफ आ रिटन डिस्क ब्लॉक इज स्टोर्ड एज वेल। लेकिन आप जो पैरिटी ब्लॉक्स है उसके में क्या होता है, हर एक डिस्क के ऊपर ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है। पैरेलल है स्ट्राइपिंग के कॉन्सेप्ट से आ गया, और जो आपका जो पैरिटी ब्लॉक्स है उसमें है ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो रहा। आपके जो पैरिटी ब्लॉक्स होते हैं इसमें अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज़ करते हैं हम, रेड फाइव एरे लाइक डिस्क स्पेस यूज़ होगी, एक्स्ट्रा डिस्क स्पेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, जितनी अवेलेबल है उतनी भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो रेड फाइव स्प्रेड्स द पैरिटी ब्लॉक्स ओवर अ अवेलेबल डिस्क, दिस लीड टू अ गुड स्प्रेड ऑफ डिस्क यूजेज, लोअरिंग द रिस्क ऑफ स्पेसिफिक डिस्क फेलियर फर्स्ट। तो इसका एडवांटेज क्या है रेड फाइव इज दैट दी पैरिटी कैलकुलेशन कैन ड्रामेटिकली स्लो डाउन राइट परफॉर्मेंस, बहुत स्लो काम करती है। बिकॉज ऑफ दीज कैलकुलेशन द रीबिल्ड टाइम ऑफ द स्पेयर डिस्क आफ्टर आ डिस्क फेलियर कैन बी सब्सटेंशियल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये है आपकी जो मेंशन है यहाँ पे DPEA के नाम से, ये होती है रेड फाइव का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हम डिस्क ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। देन आते हैं आपके रेड सिक्स, इसके अंदर आपके स्ट्राइपिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड डबल पैरिटी कॉन्सेप्ट सेम प्रीवियस वाला ही है, लेकिन यहाँ पे डबल पैरिटी है, तो उसमें जो उसके फेलियर्स होते थे यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिकन्स्ट्रक्ट होंगे। ठीक है जी, इसमें क्या हम यूज़ करेंगे, रेड फाइव सेट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिस्क रीड ऑन ऑल स्टिल वर्किंग डिस्क इन रेड सेट, द लार्जर द डिस्क द मोर टाइम इज नीडेड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। तो आपके जो रेड सिक्स है वो प्रोटेक्ट कर रहा है डिस्क फेलियर को, लार्जर टाइम को, डबलिंग डिस्क फेलियर्स को बाई यूजिंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ वन, एक की बजाय हम इसमें टू यूज़ कर रहे हो। ये देखो जी, हम इसमें टू पैरिटी ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं, ये पैरिटी ब्लॉक्स हैं, ये दो यूज़ हो रहे हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ रेड सिक्स इज सम लॉस ऑफ राइट परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज कॉस्ट, बस इंक्रीज कॉस्ट है, एक्स्ट्रा पैरिटी ब्लॉक्स इसके अंदर लगते हैं, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस जो है वो तो अच्छी है, लेकिन किस वजह से ये ड्रॉबैक है इसका, एक्सपेंसिव होने की वजह से। डाटा डुप्लीकेशन, डाटा डी डुप्लीकेशन सर्च इज द स्टोरेज सिस्टम फॉर डुप्लीकेट डाटा सेगमेंट्स ब्लॉक्स एंड रिमूव दीज डुप्लीकेट्स, डाटा डी डुप्लीकेशन है। डाटा डी डुप्लीकेशन टिपिकली लीड्स टू 20-30% रिडक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड डिस्क स्पेस, बट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड यूजिंग हाईली ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम्स मच हायर रिडक्शन आर पॉसिबल विद सम टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा डी डुप्लीकेशन इज यूज इन आर्काइव एज वेल एज द प्रोडक्शन सिस्टम। तो इसके अंदर हैश टैग्स यूज़ होते हैं, यूनिक कैलकुलेटेड डाटा आइडेंटिफायर्स होते हैं, मल्टीपल डिस्क ब्लॉक्स होते हैं, सेगमेंट्स की फॉर्म में काम हो रहा होता है। तो आप ये देखें लाइक दिस, अगर ये हैश है तो ये पॉइंटर है, ये डाटा स्ट्रीम है, ये डिस्क ब्लॉक्स है, ये हैश कैलकुलेशन है। तो हैश कैलकुलेशन जो है वो टेबल में से देखेगा किसके साथ मैच होगी, देन वो पॉइंटर की वैल्यू जो है जो भी डिस्क ब्लॉक के अंदर होगी उसके पास वो डाटा जो है वो चला जाएगा। तो ये डी डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। डी डुप्लीकेशन कैन बी डन इन लाइन और पीरियोडिकली, इन लाइन भी हो सकती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और पीरियोडिकली भी हो सकती है, बिकॉज डी डुप्लीकेशन चेक करेगा जहाँ पे आपके डुप्लीकेट डाटा सेगमेंट्स मिलेंगे, वो चेक करेगा रिटर्न करने से पहले डिस्क के ऊपर।
वाइल दिस अवॉइड्स डुप्लीकेट डाटा ऑन डिस्क एट एनी टाइम, और उसको क्या करेगा, उस पेनल्टी से बचा लेगा। सेम थिंग आप इसको रीड आउट कर लें। क्लोनिंग एंड स्नैपशॉट्स, ऑल एंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज कॉल्ड क्लोनिंग एंड स्नैपशॉटिंग। विद क्लोनिंग एंड स्नैपशॉटिंग अ कॉपी ऑफ डाटा इज मेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम। अब आप क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉपी ऑफ डाटा हमने करनी है स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर और इन टाइम के अंदर, दैट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली, लेकिन शर्त यह है वो डाटा इंडिपेंडेंटली होना चाहिए फ्रॉम दी सोर्स डाटा। लाइक मैं अगर सेंडर हूँ, मैंने सेंड किया है डाटा, तो ये मेरे साथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली हर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, ताकि इसका बैकअप जो है वो वन और मोर डिस्क भी कंटेन करेगा, अपडेट होती रहेगी, रीस्टोर होता रहेगा डाटा। यूजिंग स्नैपशॉटिंग एंड क्लोनिंग इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट अ बैकअप एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और अब बैकअप का भी सेम प्रोसीजर वही है जैसे कि डाटा एंटरिंग का है। विथ क्लोनिंग द डाटा स्टोरेज सिस्टम क्रिएट्स अ फुल कॉपी ऑफ डिस्क। क्लोनिंग के अंदर क्या होगा, आपकी जो फुल कॉपी ऑफ डिस्क है वो स्टोर वो बनेगी, मस्ट लाइक अ रेड वन मिरर डिस्क बनाएगा, एक मिरर डिस्क बनेगी, वही बात कि एक स्पेयर पार्ट होगा, स्पेयर डिस्क होगी इसके अंदर, और उसकी कॉपी जो है वो हम परफॉर्म कर सकेंगे। स्नैपशॉटिंग अचीव्स द सेम इफेक्ट एज क्लोनिंग। स्नैपशॉटिंग का भी वही काम होता है जैसे क्लोनिंग ने करना है, बट इट इज़ अ टेक्निकली क्वाइट डिफरेंट, टेक्निकली डिफरेंट है लेकिन इफेक्ट उसका सेम होगा। स्नैपशॉट ने क्या करना है, रिप्रेजेंट करेगा अ पॉइंट इन अ टाइम ऑफ डाटा ऑन द डिस्क। इसने क्या करना है, डिस्क के ऊपर वो डाटा शो करना है जिस टाइम जिस पॉइंट के ऊपर वो शो हो रहा है। फ्रॉम द मोमेंट ऑन नो राइटिंग ऑफ दोज दैट डिस्क इज परमिटेड एनी मोर। स्नैप शूटिंग जैसे करते हैं ना, स्नैप शॉट वही चीज़ है कि आपके डाटा स्टोरेज जो है उसको बताएगा किस टाइम ये इमेज जो है वो टेक किया गया। थिन प्रोविजनिंग इनेबल्स द एलोकेशन ऑफ मोर स्टोरेज कैपेसिटी टू यूजर्स देन इज फिजिकल इंस्टॉल। फिजिकली इंस्टॉल में नहीं प्रोवाइड करेगा, ऐसे प्रोवाइड करेगा आपको कैपेसिटी देगा, ठीक है जी। फिजिकली तो हमें नज़र नहीं आ रही होती ना कैपेसिटी, वर्चुअली मशीन्स लाइक। थिन प्रोविजनिंग स्टिल प्रोवाइड दी एप्लीकेशन विद अ स्टोरेज नीडिड कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड और गेस्ट। आपको वर्चुअली स्पेस प्रोवाइड करेगा, होगी देखिए सिस्टम कहीं ना कहीं तो ज़रूर पड़ा होता है, लेकिन जो स्पेसिस होती हैं वो आपको फिज़िकली कहीं पे नज़र नहीं आ रही होती। आप जैसे क्लाउड्स होते हैं वो भी आपको फिज़िकली कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन आप अपना डाटा तो स्टोर कर रहे हो ना, तो ये होती है आपकी थिन प्रोविजनिंग। जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, हॉटमेल और गूगल कैन प्रोवाइड मैनी गीगाबिट ऑफ द फ्री डिस्क स्पेस। तो ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। लार्ज साइज ऑफ डाटा हम डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो फिज़िकली से हम चीज़ों से बच जाते हैं। जैसे कि मेरा अगर पीसी के अंदर स्टोर कर रही हूँ तो वो फिज़िकली कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर क्लाउड्स के अंदर रखवा रही हूँ, ड्रॉप बॉक्स हो गया, हॉटमेल हो गया, गूगल्स हो गया, इस तरह के किसी भी स्पेस के अंदर, याहू के अंदर रखवा रही हूँ, तो स्टूडेंट्स ये होगी आपकी वर्चुअली स्पेसिंग। आई नो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस टॉपिक को कंप्लीट करना भी ज़रूरी था, बाकी हम डैश सिस्टम से फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।